ये वाली जो पत्ती है ना, ये वाली इससे बनती है चाय की पत्ती, और ये ऊपर वाला जो है वो बहुत महंगा पत्ता जाता है। और ये वाली तो ये मेन एंट्री है चाय बागान की, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो चाय बागान। और यहाँ पे फैक्ट्री भी थी जो कि बंद हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हो। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो चाय की पत्ती होती है उसका जो पेड़ है, पेड़ होता है, और किस तरीके से जो है चाय पत्ती को बनाया जाता है, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आगे आगे हमारे सूर्या भाई चल रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर को, जहाँ पर आपको मैं पेड़ दिखाने वाला हूँ चाय पत्ती के। तो यहाँ से ये आप देख सकते हो, ये जो है अभी लाइब्रेरी बन रही है, जहाँ से आपको जो है और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ये देखो ये लाइब्रेरी बन रही है पूरा, इसमें जो है काम चल रहा है अभी। तो देखो यहाँ से जो है ये चाय के पेड़ चालू हो चुके हैं, जो कि छोटे छोटे पौधे ये देख सकते हो। और अभी जो है मैं आपको ऊपर चल के दिखाने वाला हूँ। लेमन ग्रास, क्या ये लेमन ग्रास इसकी बनती है? अच्छा, ये नया पत्ता आ रहा है। अच्छा, तो इसी में जो नया पत्ता आता है उसका लेमन ग्रास बनता है, और बाकी जो बड़े पत्ते हैं ना, अच्छा हरे पत्ते वाले हैं, अच्छा ये हैं, इनकी बनेगी चाय पत्ती। अच्छा, इनको ऐसे मोड़ मोड़ के इनको काट। तो ये क्या फैक्ट्री, ये वाली है? ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, तो बताते हैं बंद हो गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत 50% काम चलता है। अच्छा, यहाँ पे जो है कि रेस्टोरेंट है, फिलहाल तो बंद है। यहाँ पे आप चाय वगैरह, लेमन टी, हनी टी और मैगी पकौड़ा वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप खा पी सकते हो। तो अभी तो हम ऊपर ही चल रहे हैं, तो सीधे आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये सारे पेड़ हैं। हमें बहुत ऊपर जाना है, वहाँ देखो, वहाँ जाना है उस साइड बिल्कुल ऊपर। तो ये देखो, ऐसे रास्ता गया है घूम घूम के, हम देखो कैसे आए ऐसे 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 वहाँ नीचे से। और ये देखो भाई साहब, गजब। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है काम चल रहा है, और देखो ये पूरे जो है चाय के पेड़ हैं, ऐसे देख रहे हो, ऐसा करके जो है ये नीचे को गए सारे। तो गाइस, फाइनली हम लोग जो है ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि जो चाय के पत्ते हैं इनसे जो है किस तरीके से जो है चाय पत्ती बनती है, और किन किन पत्तों से जो है चाय पत्ती बनाई जाती है। तो इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। तो अभी जो इधर आ जाओ, तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो देखो ये वाला जो पत्ता है ना, इसका जो ये वाला पत्ता है, देखो इसमें क्या होता है कि इन पत्तों से जो है लेमन ग्रास बनती है, और इससे जो चाय पत्ती नहीं बनती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हो, ये जो ये चौड़े चौड़े पत्ते हैं, मतलब ये वाले देखो ये बड़े हैं, और ये वाले जो है छोटे हैं, मगर इसका कलर जो है इससे थोड़ा मतलब हल्का है, तो इससे जो है लेमन ग्रास बनती है। और ये वाली जो पत्ती है ना, ये वाली इससे बनती है चाय की पत्ती, और ये ऊपर वाला जो है वो बहुत महंगा पत्ता जाता है, और ये वाली जो है इससे बनती है चाय पत्ती। और जो ये पत्ते हो चुके हैं देख रहे हो, ये जो एकदम हरे कलर के हो चुके हैं, ग्रीन डार्क, और ये जो है ख़राब हो चुके हैं, इनका कुछ यूज़ नहीं होता है, इन पत्तों का जो है कुछ भी यूज़ नहीं होता है, इनसे कोई भी चीज़ नहीं बनाई जाती है। ये बड़े बड़े भी हो चुके हैं और जो है एकदम डार्क कलर के होते हैं, तो इनसे कुछ नहीं बनता। अब इनको क्या होता है, ये जो पत्ते हैं ना, ये वाले देखो, ये जो पत्ते हैं इनको जो है क्या करते हैं, हल्का हल्का जो है मशीन से काटा जाता है इन्हें, और फिर इसको जो है प्रोसेस में डाला जाता है। तो उस तरीके से जो इनकी फैक्ट्री है, वो ये देख सकते हो, ये जो है इनकी पूरी चाय की खेती है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे जो है काम भी चल रहा है। तो ये जो है रेस्ट करने के लिए बना रखे हैं, देखो यहाँ पे जो है अपना देखभाल करते हैं ये लोग, और काम वाम होता है। तो वहाँ से देखो पूरी जो चाय की मतलब खेती है ऐसे साइड साइड में, और यहाँ से ऊपर जो है पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर मतलब नहीं है खेती, जो है यहीं पर इतने में। तो मैंने आपको जो है दिखाया कि किस तरीके से जो है चाय पत्ती बनती है। तो ये देखो, ये भी बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन क्या है इनका कलर जो है ना, वो कलर अभी ठीक है, ये देखो, तो इनसे जो है बन जाएगी। और जो ये वाले पत्ते ना, ये देखो ये वाले, ये ख़राब हो चुके हैं, इनका कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो देखो, और ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से जो है पत्तों को तोड़ा जा चुका है, ये देखो। तो गाइज, अभी मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि पहाड़ों पे जो है कितनी दूर दूर घर है, और वहाँ पे भी देखो चाय की खेती है सामने। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो गांव देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर भी चाय की खेती है, और इसको बोलते हैं क्यारा, और क्यारा गाँव है ये। इसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊँ ना,
तो ये वाला जो गांव आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं जाड़ा पानी। ज़्यादा घर नहीं है और यहाँ पर भी चाय की खेती है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, जूम कर रहा हूँ तो थोड़ा जो है फट रहा होगा। तो ये सारी देख रहे हैं ना, चाय की खेती है पूरी। और ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, ये है भेटा, छोटा भेटा बोलते हैं इसको। जो दूसरा अभी जो मैं गया था ना वहाँ पे, क्या नाम है, एक ब्लॉग आपने इससे पहले का देखा होगा जो मैंने बागेश्वर का बनाया था, बैजनाथ टेम्पल का, तो वहाँ पे जो है बड़ा बेटा है और ये वाला जो है, ये देखो ये छोटा बेटा है। तो यहाँ पर भी जो है चाय की खेती होती है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये देखो ये पूरी चाय की खेती है सब। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये जो ये लगी है ना, देखो कितने सारे, ये पहाड़ी नाशपाती है। हमारे यहाँ जो होती है ना वो अलग होती है, ये पहाड़ी नाशपाती होती है जो भाई तोड़ रहे हैं अभी, तो दो ही तोड़ेंगे। मोटा मोटा नहीं दिख रहा इसमें, अरे कोई तोड़ लो, छोटी सी, मोटा कोई जरूरी है। ये देखो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आप नाशपाती देख सकते हो, ये एकदम गोल है। ये देखो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो ये जो पूरी गोल है। और हमारे यहाँ जो नाशपाती आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जो होती है उसमें चोंच निकली होती है, यहाँ नीचे से, ऊपर से गोल होती है, नीचे उसकी चोंच निकली होती है। तो ये जो है ये पूरी गोल है और इसको पहाड़ी नाशपाती बोला जाता है। और वो वाली जो हमारे यहाँ आती है वो दूसरी होती है। तो अभी हम इसे खाते हैं, मजा आ रहा है और मीठी भी है, खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है और मीठी है नाशपाती। तो अभी अभी तोड़ी है हमने, और ताज़ा फल खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम जो खाते हैं, हमें दिल्ली में इतनी आसानी से ताज़ा तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जो होता है वो काफ़ी दिनों के रखे हुए होते हैं फल, और ये अभी अभी पेड़ से काटा है। तो फाइनली गाइस आज मैंने आपको दिखाया कि चाय पत्ती जो है वो किस तरीके से जो है बनाई जाती है, तो उनकी खेती भी मैंने आपको दिखाई, ये देख सकते हो। और अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं, और मैं बहुत अच्छे से जो है पूरी कौसानी को जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ और यहाँ के नेचर को जो है समझ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। बात करके ही मैं यहाँ पे आया था, तो इन्होंने मुझे जो है घुमाया। तो आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।